हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉर एवर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। आज है थर्ड क्लास। इसके पहले जो पिछले दो क्लासेस हैं उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने सारे रूल्स को, सारी चीज़ों को आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो भी बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा एक बार ज़रूर देख लेना, और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना बच्चों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है किसी के नोट और किसी के नोट्स किसी के काम नहीं आते। अपने नोट्स अपने हाथों से सुंदर सुंदर बनाओ और अच्छे से उसको पढ़ो। बोर्ड 2025 तक आते आते हम लोग बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन तो पहले हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं, उदाहरण क्या क्या हैं, दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल क्या होता है, उसके अलावा फोकस दूरी, मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, ये सभी की डेफिनेशंस क्या हैं, और इनको चित्र के माध्यम से डेफिनेशन को हम कैसे याद करेंगे, आज इतना हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं पिछला हमने क्या समझा था, अपवर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से क्या होती है, वो विचलित हो जाती है। और प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमने अब क्या समझना है, आज अपवर्तन के नियम क्या क्या। तो देखो जैसे परावर्तन के नियम हैं वैसे अपवर्तन के भी दो दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, पहला नियम है आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, कौमा अपवर्तित किरण टकराई, उसके बाद जो आगे बढ़ी वो अपवर्तित किरण, जिस बिंदु से टकराई आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बनता है, आपतित किरण, अपवर्तित और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जो कोण बनता है, मतलब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है, नियतांक। यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट रहेगा। I यहाँ पे क्या है, I बराबर R बराबर, I है आपतन कोण, क्या है ये आपतन कोण, और R क्या है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो दोनों का जो साइन, साइन का मतलब ज्या, जो साइन होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। तो दोनों की ज्या यानी कि साइन आर बटे साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसी को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, या फिर दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। ओके चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देखेंगे तारों का टिमटिमाना, रात में तारे टिमटिमाते हैं ना, सूर्य जब सूर्यास्त होता है और जब सूर्योदय होता है दोनों समय क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो क्यों होता है। ठीक है, कोई बाल्टी है, भरी बाल्टी पानी से है तो नीचे की जो तली होगी वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसी अगर ग्लास पानी ग्लास लो उसमें सिक्का डालो तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये सभी होता है, देखा है। तो सभी क्या है, अपवर्तन है। अपवर्तन के क्या है उदाहरण, तो सभी पहला क्या है, द्रव में डूबा हुआ सिक्का हमें क्या दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो क्यों होता है, वो अपवर्तन के कारण ही होता है। आगे देखो, ये सब तो हमारे बचपन के खेल हुआ करते थे, लेकिन अब हमें जाके पता चला भाई इसमें तो फिजिक्स लगी हुई है ना। अगला है रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये क्या होता है बच्चों, वो अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक, आगे है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी हमको क्या होता है, वो दिखाई देता है, वो क्यों होता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। अगला नियम या फिर उदाहरण, द्रव में डूबी हुई पेन पेंसिल छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, लेकिन 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 ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इसी को चलो चित्र से देखते हैं। देखो ये क्या है, एक बाल्टी है या फिर कुछ भी समझो, इसमें एक ग्लास है, यहाँ पे हमने एक पेंसिल डाली, पेंसिल का नाम हमने रखा है नटराज पेंसिल, बचपन इसी में बीता है ना। तो नटराज पेंसिल, मान लो कोई पेंसिल हमने यहाँ पे डाल ली, आजकल तो डोम्स और अप्सरा की चलती है, तो यहाँ पे हमने पेंसिल डाली, अब इसको हम देखेंगे अपनी प्यारी प्यारी आँखों से तो ये क्या दिखाई देगा हमें, पेंसिल तो ऐसे है दिखना हमें ऐसे चाहिए, लेकिन वो दिखेगी कैसे, पेंसिल वो ऐसे हमें टेढ़ी दिखाई देगी, इतना हिस्सा यहाँ और इतना हिस्सा यहाँ, ऐसे हमको वो पेंसिल दिखाई देगी, ऐसे ही दिखाई देगी ना। कल की वीडियो में दिखाया था पानी में डाल के, देखा था, जिसने भी नहीं देखा पिछली वीडियो जाकर देखना, बड़ी मजा आई थी उसमें।
अब देखो ये हो गई पेंसिल वाली एग्जांपल। अगला देखो, सूर्य का क्षितिज में नीचे होने पर भी ऊपर दिखाई देना, वो कैसे होता है? ये क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है हमारी, इस पे हम बोझ बने हुए हैं, ऐसा है ना। यहाँ पे प्रेक्षक मतलब कोई देखने वाला, ठीक। तो क्या हो रहा है, जब प्रेक्षक अपनी आंखों से देखता है तो जो सूर्य नीचे है, क्षितिज पे है, क्षितिज से नीचे है, वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पे चित्र से आप समझ लीजिए, ये हमारे सूरत दादा हैं, ठीक है। तो बड़ी आजकल तो बड़ी गर्मी दे रहे हैं हम लोग, अच्छी खासी डिग्री लेके घूम रहे हैं, है ना। चलो आगे समझ में बात। अब हमें देखो समझना है गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या होता है गोलीय दर्पण? कोई कांच का खोखला गोला है, उससे जो भी हिस्सा यानी कि जो दर्पण काट कर अलग कर दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर उसमें जो होता है चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्रकाश का उससे क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो वही क्या होता है? गोलीय दर्पण। लेकिन इसके टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं? इसके दो टाइप होते हैं। गोलीय दर्पण अगर हम कहें कि कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अवतल, अवतल दर्पण। बच्चों मज़ा आ रहा हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना। और एक है क्या? उत्तल दर्पण। देखो हर जगह मज़ा भी नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा मज़ा लेने लगोगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। जगह जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत हो बस वहाँ वहाँ समझो, बाकी इंटरेस्ट से पढ़ते रहो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। देखो दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दर्पण हमको हमारे सिलेबस में दो टाइप के दिए गए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको चित्र से चलिए समझते हैं। मान लो ये क्या है? कांच का खोखला गोला है, इससे एक अवतल दर्पण काटा गया और एक ये क्या है? अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक। तो इसको काटकर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगर इसको काटकर अलग किया गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे इस पे हमने क्या कर दिया? चांदी की पॉलिश कर दी इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हमें डेफिनेशन समझनी है। तो ये हो गया। अब इसका जो परावर्तन होगा वो कैसे होगा? दबे तल से होगा। परावर्तन कैसे होगा? वो दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से। कैसे? दबे हुए तल से। अच्छा, अब ये जो उत्तल दर्पण है वो काट कर अलग कर दिया जाएगा तो वो कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें जो परावर्तन होगा यहाँ से इस उभरे हुए तल से होगा। कैसे होगा? इस उभरे हुए तल से। इसीलिए इसका नाम है उत्तल दर्पण, जहाँ पे उभरे तल से परावर्तन होगा। परावर्तन कैसे होगा? उभरे हुए तल से होगा। और यहाँ पे अवतल में कैसे होगा? वो दबे तल से होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों समझ में आ गया। अब चलो कुछ डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन में हम लोग को क्या समझना है? सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन में क्या समझेंगे? पहला डेफिनेशन हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आता है ये सवाल, याद से ध्यान से पढ़ना। अभी अगर आपने नहीं समझा चित्र से भी तो थ्योरी कभी नहीं याद कर पाओगे, ये मेरा पूरा वादा है। अगर चित्र से समझ लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो जिस खोखले गोले से दर्पण को काटकर अलग कर दिया जाता है, जो उसका केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो खोखला गोला है जिससे दर्पण को काटकर अलग कर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक पहले अवतल दर्पण। ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण, जिसका नाम क्या है? ए और बी, ओके। अब देखो ये जो इस खोखले गोले से काटकर अलग किया गया है तो जो उसका केंद्र है वही क्या होगा? इस दर्पण का केंद्र यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि सी कहलाएगा। आई बात समझ में? अगला हमें क्या डेफिनेशन समझना है? दूसरा देखिएगा, दूसरा है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो देखो ये जो दर्पण है ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दर्पण। तो जो ये द्वारक है इसी का जो मध्य बिंदु होगा इसे ही हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जिसको हम लोग बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? हम लोग इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि द्वारक का ये जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन हमारा है
या मुख्य फोकस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, देखो चित्र देखो ध्यान से, मुख्य फोकस क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक वस्तु रखी है, वस्तु से ये किरण चलती है, अब ये टकराएगी, टकरा के जिस बिंदु से वापस यहाँ पे जिस बिंदु से जाएगी उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। यानी कि जो प्रकाश चलने किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अगला डेफिनेशन क्या समझना है, फोकस सॉरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखो चित्र में वक्रता त्रिज्या क्या होगी, देखो ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है पी, और ये क्या है, केंद्र है दर्पण का, जिसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। तो दर्पण का वक्रता केंद्र सी और दर्पण का ध्रुव पी, इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी ये वाली, इसे ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से। यानी कि पी और सी के बीच की दूरी, पी क्या है दर्पण का ध्रुव और सी क्या है वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं आर। अगला डेफिनेशन क्या समझना है, डेफिनेशन ध्यान से समझते चलना, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। देखो अगला है फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, पीछे वाले पेज में आते हैं, फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण का ध्रुव ये क्या है पी, ये दर्पण का ध्रुव है पी, दिखाई दे रहा है सभी को, दर्पण का ध्रुव पी और ये जो मुख्य फोकस एफ है, इनके जो बीच की दूरी ये वाली होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, जिसको हम एक स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि मुख्य फोकस एफ, दर्पण का ध्रुव पी, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एफ बराबर होता है आर बाई टू, या फिर आर बराबर होता है टू एफ। कैसे होता है, देखो ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक क्या है एफ, तो ये आप सीधा सीधा देख पा रहे हो, ये डबल है इसका, ये आधा है इसका, तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है क्या, एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, और जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। आई बात समझ में, फॉर्मूला आ गया समझ में, यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया है। अब एक चीज़ और डेफिनेशन बच गई है हमारी, वो क्या है, मुख्य फोकस सॉरी मुख्य अक्ष, क्या बच गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो अभी वक्रता त्रिज्या पढ़ा था, ये वक्रता त्रिज्या इसके सी यानी कि केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, लेकिन केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। पी और सी को मिलाने वाली रेखा, सी को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसी को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे बात समझ में, चलो एक बार से इतना पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। स्टार्टिंग हमने किया था चैप्टर वन, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हमें फ्लो चार्ट समझा। फ्लो चार्ट में हमने क्या क्या समझा था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, यही तो बताया था। क्या बताया था, प्रकाश पढ़ना है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, अपवर्तन और उसके नियम, और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में आज तक हमने अभी क्या पढ़ा, दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके अलावा जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसके आगे के जो बच गए हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, छह स्थितियां हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ सूत्र का निगमन भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अपना अच्छे से अपना रिवाइज करिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है दिल लगाकर उसको पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं ना, तो बस मेहनत करते रहो, धैर्य बना के रखो, हर एक चीज़ धीरे धीरे आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ में, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, जय हिंद।